हेलो हाँ और वो पिछली दफा अपने एक पकौड़ों के ऊपर वीडियो थी हमारी कि मुल्क में हर तरफ पकौड़े ही पकौड़े बन रहे हैं और पकौड़े खाए जा रहे हैं धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं और उसके अलावा रिश्वत खोर लोग जो हैं वो भी पकौड़े ही हैं उनके साथ पकौड़ियाँ भी हैं जलेबियाँ भी हैं लड्डू पीठियों का जिक्र उस दिन नहीं हुआ था लड्डू पीठी लोग भी मौजूद हैं मुल्क में तो ये जो जमहूत है हमारे यहाँ ये बड़ी ख़तरनाक सी है इसमें आपको इंसान की जो छोटी से छोटी सतह है जहनी वहाँ पर उतरना पड़ता है और लोगों के साथ गधों की तरह हंसना पड़ता है और गीदड़ों की तरह उनके साथ फिरना पड़ता है और खेतों में जैसे गीदड़ गन्ने नहीं खा रहा होता है इस तरह आपकी हालत हो जाती है और बिला वजह आपको लोगों की हैप्पी बर्थडेज़ बनानी पड़ती हैं और आप हैप्पी बर्थडे बर्थडे करते करते हैप्पी बर्थडे ही हो जाते हैं अपना आप खो देते हैं इस काम में तो इलेक्शन बड़ा मुश्किल काम है और जो लोग जीतते हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ यार बात यह है कि पकौड़ों की कंटिन्यूएशन में एक बात ये है कि कुछ लोग हमें मिलते रहते हैं ज़िंदगी में वो कोई भंग वाला पकौड़ा होता है कोई बैंगन वाला पकौड़ा होता है कोई जो है वो सिर्फ पकौड़ा ही होता है कई कबला ग्रुप पकौड़ा होते हैं कई लोग बादाकार पकौड़ा हैं कई लोग जो है खुद गर्ज पकौड़ा है तो आइए इसके ऊपर एक छोटी सी मजाया सी बात करते हैं वो था भंग वाला पकौड़ा वो था भंग 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 वाला पकौड़ा चले उससे पहले आपको दिखाएं वो ऊपर देखें वो ऊपर शायद की मक्खियों ने छता बनाया हुआ है बड़ी शायद की मक्खी है और छता है नजर आया चले माफ़ कर दीजिएगा नज़र नहीं आया ये हमारे साथ बहुत सारे लोग फिरते रहते हैं तो उनमें से एक शख्स के बारे में है वो था भंग वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था इलेक्शन वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था हरी मिर्चों वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था बैंगन वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था एक ज़ुबानी बातों वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था एक भोंगा पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था सिर्फ पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था सिर्फ ज़मानी जमा खर्च वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था कब्जा ग्रुप वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग हम थे भंग ही भंग वो था हैप्पी बर्थडे वाला पकौड़ा वो था हैप्पी बर्थडे वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था कुछ बादा ख़ार पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था ख़ुद पकोड़ा पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग वो था भंग वाला पकौड़ा और हम थे भंग ही भंग मुल्क में हर तरफ आपको पकौड़े ही नज़र आएंगे पकौड़ों का मुल्क बन गया पकौड़े खाओ पकौड़ों से दोस्ती मत करो करनी है तो अपनी जिम्मेदारी भी करो पकौड़े हो जाएंगे आप थैंक यू